बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा ज्ञान भवन में 2 से 4 सितंबर तक आयोजित 3 दिवसीय गांधी कथा वाचन कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में जाकर बच्चों के बीच गांधी के विचारों को पहुंचाएंगे। बच्चों में नैतिकता, स्वच्छता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य के विचारों को इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। आइए जानते हैं शिक्षकों को इस कथा वाचन से क्या लाभ मिला और बच्चों को वे कैसे लाभान्वित करेंगे। मैं ओम प्रकाश जी, प्राथमिक विद्यालय जंगल मजरिया, प्रखंड गोपालगंज, जिला गोपालगंज से आया हुआ हूँ। और जो हम लोग इसमें गांधी कथा वाचन 2 से लेकर 4 तक सितंबर 2019 तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के तहत उनके पत्रांक दिनांक के पत्र के तहत हम लोग यहाँ आए हुए हैं और इसका आयोजन जो है बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा किया गया है। और मुझे लगता है कि ये 3 दिनों की कार्यशाला में हमने एक चीज़ खास जो ये बहन किया है कि वो अब तक जो गांधी जी को जो इच्छुक थे वही जानते थे, लेकिन इसके द्वारा अब जो है इस कार्यशाला के बाद जो इसका कार्यरूप जब धरातल पाएगा तो इससे वो बच्चे भी जानेंगे उनके बारे में जो इनके बारे में कल तक नहीं जानते थे या जानते थे तो खूब जानते थे कि हाँ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, गांधी जी बापू थे, राष्ट्रपिता थे, वह बहुत कम जानते थे उनके बारे में। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं क ख ग ओ आ ई, तो उससे जो है क से कबूतर और ख से खरगोश जो पढ़ाते थे, अब जो है हम लोग अहिंसा और करो या मरो या इस तरह की कहानियों का हम बच्चों में जो प्रसार करेंगे, बच्चों को बताएंगे उसके इफेक्ट को, गांधी कैसे जो है आम आदमी की तरह थे, उनमें कितनी मानवीय कमजोरियां थी, उनको कैसे उन्होंने सुधारा धीरे धीरे क्रमिक रूप से अपने पूरे जीवन में सुधार करके और कैसे वो महानायक बन गए, राष्ट्रपिता बापू बन गए, यही कथा हम बच्चों को। जी सर, कथा वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, कथा के माध्यम से बच्चों को जो ये सिखलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कहानियों को पसंद करते हैं और उनका अट्रैक्शन कहानी की तरफ ज़्यादा होता है। तो एक कहानी के माध्यम से, कथा वाचन के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसको वर्ल्ड के सिटीजनशिप मिला हो, उसके बारे में हमारे ही भारत के लोग ना जाने और बहुत कम लोग जाने, ये बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी कमी थी। अब ये जो परियोजना के माध्यम से ये प्रशिक्षण है, ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण चला और आगे भी जो हमारा ब्लॉकों में या स्कूलों में चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, उससे ये होगा कि वो छोटे छोटे बच्चे जिनके जहन बड़े ही कोमल होते हैं, जिनके जहन पर अगर शुरुआती दिनों में कुछ ऐसे लिख दिया जाए जिसकी छाप उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक चलती है, वैसे बच्चों को अगर गांधी जी के संदेश, गांधी जी के उपदेश, गांधी जी ने जो अपनी कमियाँ, गांधी जी ने जो किया देश के लिए, समाज के लिए और बहुत सारी चीज़ों पे जो उन्होंने काम किया, वो बचपन से समझेंगे और बचपन से जब वो समझने लगेंगे तो ये दौर कभी ऐसा कभी हमको नहीं लगता है कि हमारा देश, मतलब कि विश्व गुरु जो एक ज़माने में पहले था, वो कभी ना कभी वो बन करके ज़रूर साबित होगा। शिक्षा से मेरा यही उद्देश्य लग रहा है कि आगे चल के हमारे बच्चे महात्मा गांधी को अच्छी तरह से जानेंगे इस प्रशिक्षण के माध्यम से, और बच्चे उस मार्ग पर चलेंगे जो मार्ग हमारे महात्मा गांधी जी ने बताकर गए। सबसे पहले मैं एक कार्यशाला में तो बहुत लाभान्वित हुआ ही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से गांधी जी का जीवन ही है कि आदर्श, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं और सीढ़ी पे से उतरते ही हम लोग गांधी से भगत सिंह हो जाते हैं। खैर, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग पहले खुद बच्चे को बीमार करते हैं और फिर उसका इलाज ढूंढते हैं। आपको आश्चर्य लगा होगा कि हम कह रहे हैं कि हम खुद बच्चे को बीमार कर दें। जी सर, मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि पहले हम बच्चे को बीमार कर दें। क्या एक बच्चा जन्म लेता है 3 साल 4 साल, उसको पता होता है भ्रष्टाचार क्या होता है, झूठ क्या होता है? हम उसको दिमाग में पहले भ्रष्टाचार बोलते हैं, उसको झूठ बोलना सिखाते हैं और जब वो पूरी तरह से इसके गिरफ्त में आ जाते हैं तब उसका इलाज हम स्कूल में शुरू करते हैं। इसलिए कोशिश स्कूल से नहीं, परिवार से होनी चाहिए कि परिवार में उसको वो संस्कार दें ताकि ये सब भ्रांतियाँ उसमें रहे ही नहीं और स्कूल में ये कार्यक्रम उसको करना। क्या लाभ होगा बच्चों को आप लोगों के माध्यम से? अब तो वो बच्चे मेरे पास आ ही गए हैं जो दूषित होके आए हैं, उसको हमको सूचित करना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसकी शुरुआत परिवार से होनी चाहिए।
परिवार में हम ऐसा माहौल दे, वैसा वातावरण दे, ताकि आगे उदाहरण के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे घर पे कोई आते हैं पिताजी अंदर से बोल देते बोल दो घर पे हम नहीं है, क्या वो बच्चा वो बात सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है झूठ बोलना, एक हैबिचुअल उसका हो जाता है कि वो झूठ बोलना। अब तो कार्यशाला का लाभ ये है कि अब हम जाएंगे, हम खुद जागरूक होंगे, अपने शिक्षक को जागरूक करेंगे और इसे ही साथ साथ बच्चे को भी, और सर ने बहुत अच्छा दिया कि उपदेश कम देंगे, स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत होकर, ताकि बच्चे हमारा, चूंकि बच्चे के शिक्षक या माता पिता रोल मॉडल होते हैं, तो हम जैसा करेंगे, जैसा देखेंगे बच्चे स्वयं वैसा करेंगे, इसलिए ज्यादा कोई ये नहीं है कि हम ज्यादा कहेंगे तभी वो काम करेंगे। गांधी जी को एक सामान्य बालक समझ कर के उनके जीवन में घटित घटनाओं की चर्चा है, और उन घटित घटनाओं को अगर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं कथा शैली में, कहानी की शैली में, तो निश्चित रूप से बच्चों पर उसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा। इनमें गांधी के सत्य, अहिंसा, हास्य, परिग्रह आदि जो विचार हैं, जो गांधी के नए विचार नहीं हैं बल्कि पुराने जो मूल्य हमारे हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के हों, जैन धर्म के हों, उन मूल्यों से ही ये अंगीकार किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। ये कथा वाचन से आपके विचार में किस तरह से परिवर्तन आया, और आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो इस कथा का कैसे लाभ उनको पहुंचाएंगे? जहाँ तक मेरे विचार में परिवर्तन की बात है, तो मैं वैचारिक रूप से भी गांधी के करीब पहले से ही अपने आप को पाता हूँ, लेकिन हथियार पे धार जब चढ़ता है उस तरह का ये प्रशिक्षण हमारे लिए साबित हो रहा है कि मेरे विचारों को और सफलता मिल रहा है। मेरे विभाग के द्वारा इस तरह का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो मुझे एक संबल मिल रहा है, नैतिक बल मिल रहा है कि हम गांधी के आदर्शों पर चलकर, गांधी के विचारों पर चल करके हम अपने विद्यालय की स्थिति को, बच्चों के मनोबल को, बच्चों की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, उनके विचारों में एक नए आयाम को हम भर सकते हैं, जो गांधीवादी विचारों के साथ हम आगे चल सकते हैं। और आज की परिस्थिति में तो और इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है जब पूरे देश से स्वच्छता का आह्वान किया जाता है, और उस स्वच्छता के आह्वान के लिए हम क्यों ना अपने बच्चों को माध्यम बनाएं, और पूरा अगर विद्यालय से, घर से उस सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान की हम शुरुआत करें, तो मेरा भारत भी स्वच्छ और सुंदर हो सकता है, मेरा भारत भी हरा भरा हो सकता है। जैसे कि गांधी जी चंपारण गए थे, तो सस्य श्यामला धरती से अभिभूत होकर के गांधी जी चंपारण में बसने की बात भी कह दिए थे, और वहाँ विधिहरवा आश्रम की स्थापना भी उन्होंने की थी। तो क्यों ना विद्यालय में, जहाँ बच्चे आने में कठिनाई महसूस करते हैं, आना नहीं चाहते हैं और जल्दी भागना चाहते हैं, तो विद्यालय के में ऐसे वातावरण का निर्माण, कार्यशाला से अब उन बच्चों को जरूर लाभ मिलेगा। हर बच्चों को, शिक्षक को और हर नागरिक को, आस पड़ोस को, समाज को, सबको लाभ मिलेगा। गांधी तो एक ऐसी दवा है जो बिना रोग के भी अगर खाइए तो उतना ही शरीर स्वस्थ होगा, और रोग है तो खाइए तो और शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। ये गांधी जी महामानव थे, ये तो हम सभी जानते थे, और गांधी जी हमारे अंदर कुछ परिस्थितियां, समाज जो मतलब सामाजिक दूषित वातावरण है, जो न सिर्फ हम में बल्कि हमारे बच्चों में, हमारे आसपास के वातावरण के जितने भी जंतु और फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, समाज हैं, सब में उन लोगों ने एक तरह से धूल, मतलब भ्रष्टाचार के, असफलता के, अशुद्धता के, छुआछूत के, इन तरह के बीज आरोपण कर दिए हैं उन लोगों ने, और इस तरह की मतलब गंदी और दूषित भावनाओं का एक तरह प्रचार प्रसार किया। हम लोगों ने यहाँ नैतिक बलों को विकसित करने के लिए काफ़ी आधार ढूंढे, उसके बाद स्वच्छता, स्वावलंबन, और ये गांधी जी के जो खास करके विचारधारा में आते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अभय, ब्रह्मचर्य, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जिया है। हम लोगों ने यहाँ प्रशिक्षण नहीं लिया, बल्कि एक तरह से इन 3 दिनों को हम लोगों ने जिया है, महसूस किया है कि सच में हमें देखने को मिला कि समय की कितनी पाबंदी है यहाँ। 1 मिनट ना इधर होता है ना उधर, जिनको भी बोलना होता है या जिनको भी अपनी प्रस्तुतिकरण होती है, वो 1 मिनट पहले ख़त्म कर देता है, 1 मिनट बाद उस चीज़ को आगे नहीं ले जाता। समय की पाबंदी, शुद्धता, पौष्टिक आहार, और हर तरह से इंसान को किस तरह से मतलब एक सही संबंध मिले,
विकास मिले और गांधी जी की जो विचारधारा है आज के परिवेश में किस तरह से लोगों को उसके आधार पर एक आत्मबल मिले, ये हमने सही ढंग से सीखा है, सही ढंग से जाना है। तो हम अपने विद्यालय में जाकर पूरी तरह से इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपने बच्चों में ये संस्कार भरेंगे इस तरह से, ताकि हम गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। ये प्रशिक्षण गांधी जी किसी धूल को हटा नहीं रहे, ये प्रशिक्षण आज के समाज के जो मांग है, जो वास हो रहा है, उसका नाम है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा के वास को ध्यान में रखते हुए ये मॉड्यूल बनाया गया है कि अगर किसके चरित्र को अपनाएं कि ये नैतिक शिक्षा का फिर से उदारीकरण हो जाए। तो इसके लिए सबसे हमारे भारत के महामानव महात्मा गांधी जी उचित है कि उनके चरित्र को अपना कर अगर स्कूली शिक्षा में नैतिक शिक्षा आज प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और उस शिक्षा में वास हो रहा है, समाप्त हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं तेज काफ़ी हो रहे हैं लेकिन अपने संस्कृति अपने समाज के मूलभूत सुविधाओं को भूल रहा है, उस चीज़ को अपनाने के लिए और छोटी छोटी जो हमारी जिम्मेवारी एक शिक्षक के तौर पर गांधी जी से हमें भी सीखना है कि काम खुद को स्वयं करें। आज हर कोई ये काम दूसरे से करवाना चाहता और दूसरे से करवाने में अपनी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन गांधी जी के चरित्र इसलिए अपनाना है कि स्वयं जब हम कोई काम करेंगे तो उसका अनुकरण बच्चे करेंगे और बच्चे करेंगे तो एक परिवार करेगा और एक परिवार करेगा तो हमारा समाज करेगा और हमारा समाज करेगा तो राज्य और देश और राष्ट्रीय स्तर पर वह काम स्वतः जो धूल हम जिस बहुत सारे रूप में जो नकारात्मक रूप में लेते हैं वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में ये प्रशिक्षण है और हम लोगों की जिम्मेवारी बढ़ गई। ये गांधी कथा वाचन जो है मुझे हम लोगों को ये प्रशिक्षण दे रही है कि आजकल सिद्धू समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति व्यक्ति से घृणा करने लगे हैं, भाई भाई से घृणा करने लगे हैं, पुत्र पिता से घृणा करने लगे हैं, आजकल क्या है नैतिकता की भावना एकदम खत्म हो गई, हम लोगों के ऊपर धूल जम गई है, पैसे की आर्थिक तंगी के कारण जो है मतलब कि सब लोग आर्थिक तंगी की तरफ भाग रहे हैं, श्रम करना भूल गए हैं, त्याग करना भूल गए हैं। तो हम लोगों को इससे ये होता है कि जैसे कि हम प्राकृतिक चीज़ को अपनाना भूल गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आप बैठे बैठे सोचते हैं कि मेरा काम आसानी से हो जाए, कोई किसी बच्चों को आदेश दे देते हैं कि पानी लेके आ जाओ, आप खुद से चापा नहीं चलाना चाहते हैं। नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया जाएगा, नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, त्याग पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है और आपको श्रम पर ज़्यादा देगा, आप श्रम का मतलब कि ये उपयोग करें, श्रम का ये दान करें जिससे कि आप खुद से सफाई करें। आजकल देखते हैं कि हम भी आते हैं जाते हैं, ट्रेन में भी आते हैं जाते हैं, एक में ट्रेन में भी आते हैं जाते हैं तो देखते हैं कितनी गंदगी रहती है, बहुत सारी गंदगी रहती है, मतलब कि ट्रेन में भी जाते हैं तो बाथरूम में देखते हैं ये देखते हैं या उसके ये जो बेसिन रहती है उसमें देखते हैं कि लोग नैतिक शिक्षा के हाँ स्वच्छता पर अभियान होना चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों को अपनाना चाहिए, श्रम का दान करना चाहिए। तो जो हम अगर करेंगे तो बच्चे भी वो सीखेंगे, अनुकरण करेंगे, जी अनुकरण करेंगे उसका। जितेंद्र कुमार ठाकुर, गर्ल्स हाई स्कूल, दल सिंह सराय, समस्तीपुर। श्रम, स्वावलंबन, नैतिक शिक्षा, कहने का तात्पर्य जीवन और शिक्षा दोनों में सामंजस्य स्थापित करना इस कथा वाचन का मूल उद्देश्य रहा और यही प्रेरणा स्रोत रहा। जो धूल जम चुकी थी उस पर से धूल हट चुकी है। कहाँ से आए सर? जो गांधी की कर्मचारी दो चीज़ें मैं कहते हैं ना, बिहार के उन तमाम जिलों से शिक्षक आए, वैसे शिक्षक जो विभिन्न तरह के प्रशिक्षणों में भाग ले चुके हैं, ये शिक्षक अपने जिलों में जाएंगे और वे सभी शिक्षक उन विद्यालयों तक उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, वैसे शिक्षकों को एक टीम तैयार होगी, कहीं ना कहीं वो लाखों बच्चे इससे प्रभावित होंगे। आज का दौर जब नैतिकता का विकास हो, बच्चों में नैतिक बल विकसित हो, वो कैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित हों और एक तरह से सामुदायिकता, सहभागिता और सबके साथ हम लोग कैसे गांधी का जो सपना था, गांधी का वो दर्शन था, गांधी की जो प्रेरणा थी उनके प्रति, उनसे हम लोग प्रेरित हो रहे हैं, साथ में समाज में हम बच्चों को भी प्रेरित करेंगे। और ये पूरी 86 पेज में बनी हुई गांधी की दोनों पुस्तकें हम बच्चों के बीच उपयोगी साबित होगा और साथ ही उनकी जीवन प्रसंग से जुड़ी हुई उनके कर्मयोगी के रूप में उसे चरितार्थ किया है। सहज भाषा, सरल भाषा हमको लगता है काफ़ी सहज रहेगा। नालंदा से हैं सर, ये 3 दिनों का जो कथा वाचन हुआ, कि इसका मिलनी उद्देश्य ये है कि आज हमारा
गांव, समाज, देश जो है गलत दिशा में, गलत कार्यों में लिप्त है, गलत जगह पर जा रहा है। हमारे जो समाज हैं, देश हैं, वहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, लोग हिंसक हो रहे हैं और लोग अपनापन, स्वार्थ की भावना में पनप रहे हैं, उनके अंदर घमंड आ गया है। लेकिन हमें इस वजह से अब बच्चों को शुरू से ही नैतिक शिक्षा जी, स्वच्छता वगैरह वगैरह का पाठ, तो ये जो यहाँ पर कथा वचन हुए, इसमें हमको ये पता लगा कि महात्मा गांधी जी के अंदर ये सब सारी चीज़ें नहीं थी और उन्होंने एक मतलब अहिंसा का संकल्प ले करके बिना शस्त्र के, बिना झूठ बोले हुए, बिना गलत कार्य किए हुए एक अंग्रेजी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंका था और उनके जीवन को एक बच्चों के भी समक्ष पेश करेंगे तो बच्चा भी अपने अंदर उनके जो चरित्र होंगे उनका अंदर में समाहित करेगा, ऐसे बच्चा में भी सुधार होगा और गांव, देश, समाज सब जगह सुधार होगा। नालंदा से 3 दिवसीय सत्र में हम लोग को ये समझ बनी कि आज भी हमारे बापू प्रासंगिक हैं, जो समाज में, परिवार में, राष्ट्र में भेदभाव है और विशेषकर जो अनटचेबिलिटी है, उस अनटचेबिलिटी से हम कोई कानून से नहीं लड़ सकते, बल्कि गांधी के विचार से बच्चों में हम एक अच्छा माली बन के, संस्कार भर के अनटचेबिलिटी को मिटाएंगे तो हमारा देश फिर से जगतगुरु बनेगा। सत्य, अहिंसा और स्वाध्याय, ये 3 पाठ का संकल्प बच्चों को देना है और ये 3 पाठ से हम बच्चों को महान बनाएंगे और एक बच्चा महान बनेगा, एक समाज महान बनेगा तो उसकी प्रेरणा से पूरा वातावरण को हम महान बना सकते हैं और फिर अपने देश को उस ऊंचाई तक, पुरानी परंपरा का जो देश अर्जावर्त रहा है, जिसका संकल्प कभी महात्मा बुद्ध और अशोक ने किया था, उस संकल्प को आज हम इस धरा पर उतार सकते हैं बापू के कथा से, बापू के चिंतन से, सोच से। इसी प्रेरणा को लेकर मैं अपने विद्यालय की ओर कुछ कर रहा हूँ। धन्यवाद। इसका जो ये 3 दिवसीय कार्यशाला था वो 38 जिलों से शिक्षकों को मैंने बुलाया था और ये शिक्षक यहाँ प्रशिक्षित होकर जब जाएंगे तो जिले में शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, उसके बाद फिर प्रखंड एवं संकुल तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षक इसका गांधी का कथा वाचन बच्चों के बीच कराएंगे, गांधी की विचारधारा से उनको रूबरू कराएंगे और नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है हमारे समाज में वो बच्चों में उसको विकसित करने के उद्देश्य से, जो हमारी कुरीति है समाज में उसको दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा ये पहल की गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि बच्चे जब गांधी जी के जीवन के आदर्शों को से रूबरू होंगे तो उनमें एक परिवर्तन होगा और अच्छे समाज एवं अच्छे देश का निर्माण होगा, यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेके आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण चर्या का समापन हो रहा है और ये जब जिले में जाएंगे ये शिक्षक तो वो 2 दिवसीय प्रशिक्षण जिले में करेंगे और वहाँ से फिर नीचे स्तर तक ये प्रशिक्षण चर्या होगी। देश विदेश की अन्य अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें स्वस्थ समाचार से। धन्यवाद।